Hello friends, so welcome you all in the class of Simplifying Mathematics. So today we are going to learn about various types of quadrilaterals. In part 1 of the quadrilateral, you have learned the basic concept of quadrilateral and the various terms which are being used in quadrilateral. Now starting with the types of quadrilateral, so normally there are 6 types of quadrilaterals. Ab quadrilateral ki terminology humne study ki thi, to usme kya kya hota hai? So one is the sides, सेकेंड इज एंगल्स और थर्ड क्या होता है डायगनल्स. तो यही तीन चीज़ें मेन है, साइड्स, एंगल्स और डायगनल्स, राइट. तो बेस्ड ऑन द साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर. कि इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स में क्या फ़र्क है, तो पहले तो ये है कि दिस ऑल आर फोर साइडेड पॉलीगन्स, ठीक है. तो सब में कितनी साइड्स होंगी, फोर साइड्स होंगी. द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन देयर साइड्स एंड एंगल्स. तो बेस्ड ऑन दो साइड्स एंड एंगल्स तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैलोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट. सो द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन देयर साइड्स एंड एंगल्स. सो बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स हम ये 6 के 6 क्वाड्रिलेटरल्स को डिफरेंशिएट करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द रेक्टेंगल, नाउ कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. Now this quadrilateral ABCD will be called a rectangle based on certain conditions, based on certain properties. So वो कौन कौन सी properties है. Now first property for any quadrilateral to be a rectangle is कि opposite sides of a rectangle are parallel. तो opposite sides कौन सी हैं. Now AB parallel to what? DC and BC parallel to AD. This is the first property of a rectangle. Second property is opposite sides are equal. So opposite sides kaun si hain? AB equal to DC and BC equal to AD. ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. कि रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, दिस आर ऑफ 90 डिग्री. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. कि जो भी इसके डायगनल्स है, तो कौन कौन से डायगनल्स है, तो वन इज व्हाट, एसी एंड सेकंड इज बीडी. तो डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, कि डायगनल्स एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो लेट्स सपोज दिस डायगनल इंटरसेक्टेड पॉइंट व्हाट, ओ. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी AO equal to OC and BO equal to OD. So this is the meaning of bisector. मतलब कि एक लाइन को इसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो डायगनल्स AO equal to OC and BO equal to OD. Now next property is कि डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. सो दैट इज व्हाट, कि ए सी इक्वल टू बी डी. सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर. नाउ कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सो दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज. तो व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. कि स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, दैट इज व्हाट, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज
ऑल साइड्स आर इक्वल, कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. सो दैट इज़ व्हाट, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ये भी एंड दिस. थर्ड, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. डायगनल्स ऑफ अ स्केयर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड ऑफ ईच अदर. तो क्या मतलब हुआ कि एक तो ये डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं, मतलब आपस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. द सेकेंड इज, जहाँ पे ये मीट करते हैं तो वहाँ पे एंगल क्या बनते हैं, द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. सो दैट इज़ वॉट कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो वॉट आर द डायगनल्स, सो दिस इज ए सी and this is what, BD. So let's suppose this diagonal intersect at what point, O. Now the first condition is ki diagonals are perpendicular bisector. So matlab kya hai ki jahan pe bhi ye meet karte hain to ye angle kitna ban raha hai, the angle is of 90 degree. Bisector each other, so means what, AO equal to OC and BO equal to OD. और ये जो एंगल्स हैं ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. सो क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर इन स्क्वायर, कि डायगनल्स आर इक्वल, कि जो इसके डायगनल्स हैं दैट इज ए सी इक्वल टू बी डी. सो बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज you can call any quadrilateral a square. Now next type of quadrilateral is parallelogram. So we'll consider a quadrilateral ABCD. So this quadrilateral will be a parallelogram based on certain properties. Now the first property of parallelogram is the opposite sides of a parallelogram are parallel. तो मतलब क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू व्हाट, ए डी. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी. ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम. नाउ थर्ड इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D. तो ये एंगल इसके इक्वल है और एंगल D दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल B. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. The diagonals of a parallelogram, let's suppose these intersect at what point, O. So according to this condition, AO equal to OC and BO equal to what, OD. Now one more property is there for a parallelogram, कि जो parallelogram के diagonals हैं that are not इक्वल, वो इक्वल नहीं है, मतलब
कि एसी इज नॉट इक्वल टू बीडी फॉर अ पैरेललोग्राम. सो दीज आर द फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो नाउ मूविंग फर्दर, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस. नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? Opposite sides of a rhombus are parallel. So means what? AB parallel to DC and BC parallel to AD. So this is the first property. Now second property of a rhombus is all sides are equal. मतलब कि AB equal to BC equal to CD equal to DA. Now third property of a rhombus is opposite angles are equal. So that is what? Angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस इज कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. Now this is diagonal AC and this is diagonal BC. कि diagonals आपस में bisect करते हैं और वो angle कितना है? 90 degree. So that is what called perpendicular bisector. कि let's suppose कि अगर ये point O पे मिल रहे हैं तो bisector का मतलब क्या हुआ कि AO equal to OC and BO equal to OD. Now one more property is there for the rhombus ki diagonals of a rhombus are not equal. Ki rhombus ke diagonals equal nahi hote, so that is what? AC is not equal to BD. So clear about the five properties of a rhombus. Now next type of quadrilateral is trapezium. Now this ABCD will be a trapezium based on certain properties, based on certain conditions. So what are those properties? The first property of trapezium is कि only one pair of sides are parallel. कि trapezium में सिर्फ एक ही pair of sides parallel होंगे. So that is what? AB parallel to DC, right? वो equal नहीं होंगे. AB और DC will not be equal, but AB is parallel to DC. The second is ये जो सेकेंड पेयर है दैट इज नॉट पैरेलल. तो सेकेंड पेयर ऑफ साइड्स क्या है? तो वो क्या है? ए डी दैट इज नॉट पैरेलल टू बी सी. सो दीज आर द मेन टू प्रॉपर्टीज फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी अ ट्रेपेजियम. कि इसकी एक तो सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगी और ये जो पैरेलल साइड्स हैं सो दीज आर व्हाट कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड द बेसिस ऑफ अ ट्रेपेजियम. तो इनको हम ट्रेपेजियम के बेस बोलते हैं, ए बी और डी सी को, राइट? नाउ अगर इफ नॉन पैरेलल साइड्स वो कौन सी है? ए डी और बी सी. अगर ए डी और बी सी आपस में इक्वल हो, राइट, तो देन दैट ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस
trapezium. Now next is kite. So what are the properties of kite? The first property is कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. तो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इन काइट इज कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो लेट्स सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ काइट. तो लेट्स सपोज वी विल गिव दिस नेम एज ए बी सी डी. नाउ टू पेयर्स मीन्स व्हाट, कि दिस ए डी इक्वल टू व्हाट सी डी एंड ए बी इक्वल टू व्हाट बी सी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि दो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो दैट इज व्हाट ए डी इक्वल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू बी सी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ काइट इज एंगल वेयर दोज टू एडजेसेंट पेयर्स आर मीटिंग, कि वो वाले एंगल्स जहाँ पे दोनों पेयर्स मीट कर रहे हैं. तो देखो नाउ दिस इज़ वन पेयर, दिस इज सेकेंड पेयर. तो ये कहाँ मीट कर रहे हैं? सो दिस इज़ मीटिंग एट व्हाट एंगल ए एंड एंगल सी. तो ये जो एंगल्स हैं तो ये क्या हैं, दैट इज़ व्हाट इक्वल. तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ काइट कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. Now third property of kite is कि diagonals of a kite intersect at 90 degree. कि जहाँ पे भी दो diagonals meet करते हैं या intersect करते हैं तो वो क्या है, they are meeting at what 90 degree. So this is the third property for any quadrilateral to be a kite. Now next property of a kite is कि larger diagonal bisects the smaller diagonal. अब देखो इसमें से बड़ा diagonal कौन सा है, BD. तो अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रॉपर्टीज, जो बी डी है सो दैट इज़ बाइसेक्टिंग द स्मॉलर डायगनल. मतलब ए सी को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. कि लेट्स सपोज दिस इज मीटिंग एट व्हाट पॉइंट ओ. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए ओ इक्वल टू ओ सी. ओनली द लार्जर डायगनल इज बाइसेक्टिंग द स्मॉलर डायगनल. नाउ नेक्स्ट इज, तो इफ यू लुक एट द फिगर ऑफ अ काइट, तो आप देखोगे कि ये जो डायगनल ए सी है सो दिस इज डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल या डिवाइडिंग द काइट इनटू टू ट्रायंगल्स. तो कौन सी ट्रायंगल्स हैं, तो एक तो है ट्रायंगल ए डी सी और दूसरी ट्रायंगल क्या है, दैट इज ए बी सी. तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं सो दिस दीज आर व्हाट कॉल्ड isosceles triangle. So this is all about properties of kite. So now so we'll compare all the properties of different types of quadrilaterals. So then you will be able to easily understand ki what is the difference between all these types of quadrilateral. The only difference is between the sides, then the difference is between the angles, aur teesra hum difference kya leke aate hain, diagonal ka. तो इन्हीं तीन पॉइंट्स के बेस पे, वन इज साइड, सेकंड इज एंगल्स एंड थर्ड आर द डायगनल्स. तो बेस्ड ऑन दिस थ्री पॉइंट्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स.